कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहले नोटबंदी, GST और उसके बाद लॉकडाउन से करोड़ों युवाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़ लिख कर युवा युवतियां रोजगार की तलाश करते हैं और पिछले 6 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार हुई नोटबंदी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर आई GST। GST में जिस प्रकार की पेचीदियां रख दी उसकी वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी जो था वो त्रस्त हो गया, उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए। और आखिरी मार हुई जो कोरोना में लॉकडाउन से, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती और भारत की GDP की जो गिरावट आई है 23% की, वो नहीं। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।